नमस्कार दोस्तों, होम साइंस अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए यूनिट 9 में नया चैप्टर लेकर के आई हूँ, जिसका नाम है आपका विकास में संचार साधनों व संगठनों की क्या भूमिका है, इस पर चर्चा करेंगे। इसमें आपके पारंपरिक एवं आधुनिक जो मेथड है संचार माध्यम के, ये और जो विभिन्न प्रकार के संगठन है, समाचार पत्र की एजेंसियां हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे विकास में संचार साधनों की क्या भूमिका है। सबसे पहले जानते हैं कि देखिए, जो हमारा संचार है इसमें हम, इसके पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, कम्युनिकेशन में हमारे जो है एक सभ्यता संस्कृति के व्यवहार विचार और आदत दूसरी सभ्यता संस्कृति के व्यवहार विचार आदतों का क्या होता है, आदान प्रदान किया जाता है, वो हमारा संचार होता है। और संचार जान लीजिए एक अहम रोल अदा करता है एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति में ट्रांसफर होने में या उसको ग्रहण करने में। और ये हमारे जो संचार होते हैं, ये संचार के कई माध्यम का प्रयोग किया जाता था। पहले हमारे पारंपरिक माध्यम होते थे लोकगीत, लोक संगीत, नाटक, नृत्य, ये हमारे जो है जो पहले से के लोक संगीत हुआ करते थे, इनके द्वारा जो है हमारी सभ्यता संस्कृति का पहचान होती थी। सभ्यता संस्कृति से हमारे रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, इन सब चीज़ों को जो है व्यक्त किया जाता था। और आज हमारे जो संचार के नित्य नए जो है टीचिंग मेथड कह सकते हैं, संचार माध्यम जो है डेवलप होते जा रहे हैं, और वो जो हमारी परंपरागत जो संचार माध्यम थे उनका आदर्श काफ़ी जो है रोल हमारा काफ़ी अहम रोल जो है ग्रहण करते जा रहा है। हमारा आधुनिक जो संचार माध्यम है, ये हमारे संचार माध्यम संचार को बहुत ही कम कह सकते हैं समय में चीज़ों को पहुंचाने में बहुत ही अहम रोल अदा कर रहे हैं। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर लिया है विकास के लिए आधुनिक संचार के साधन। देखिए, पहले हम आधुनिक संचार पर देखते हैं। हमारे आधुनिक संचार में देखिए, सभी लोग परिचित हैं हमारे सोशल मीडिया से, यानी हमारे सोशल मीडिया एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें सभी लोग एक साथ जो है जुड़ करके वो अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को क्या करते हैं, एक से दूसरे में शेयर करते हैं, एक फ्रेंड से दूसरे फ्रेंड्स में, एक संगठन से दूसरे संगठन में शेयर करने का काम करते हैं। वो हमारा क्या होता है, वो हमारे सोशल मीडिया होते हैं। और इससे क्या होता है, बहुत ही कम समय में सभी लोगों तक सूचना आसानी से पहुँच जाती है। और देखिए, हमारे सोशल मीडियम है ये हमारे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप है, इनका ज़्यादातर इस समय बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता जा रहा है। अब हमारा देखिए यहाँ पर फिल्म भी देखिए जो संचार के हैं, इनसे क्या होता है कि फिल्म जो हमारे रीति रिवाज, जो हमारे परंपरा, सभ्यता, संस्कृति चीज़ें होती हैं, उनको हम फिल्मों के माध्यम से दिखाते हैं, जिससे लोगों को उसके बारे में जानकारी होती है और उसको ग्रहण करते हैं। तो फिल्म है, उसके बाद हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर ट्रेनिंग। देखिए, इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का बहुत ही ज़्यादा चलन चल रहा है। हमारे मोदी जी हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रत्येक स्टेट के लोगों से बातचीत करते हैं, अपनी समस्याओं को पूरे देश के सामने रखते हैं और सारी चीज़ें वो जो है लोगों के सामने शेयर करते हैं। तो ये बहुत बड़ा जो कह सकते हैं ये मीडियम है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अपने स्थान पर बैठ करके पूरे देश दुनिया के लोगों के साथ आप बात कर सकते हो एक ही स्थान से। ये हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है और इसी के द्वारा लोगों को, अब इसको संचार के माध्यम में देखिए जैसे आपको कृषि के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाए, तो कृषि के क्षेत्र में लोगों को, जो हमारे किसान भाई हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए, जो हमारी गृहिणियाँ हैं, महिलाएं हैं, उनको घरेलू संबंधित उद्योग धंधों संबंधी चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग दिया जाता है। ये हमारे कह सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ट्रेनिंग। नेक्स्ट हमारा है डिजिटल स्टोरी टेलिंग। देखिए, डिजिटल स्टोरी टेलिंग भी बहुत अहम रोल अदा कर रहा है। जैसे क्या है, कहीं पर कुछ प्रोग्राम हुआ या कहीं कुछ घटना घटी, या कोई किसान है वो अपने बहुत अच्छे से किसान का काम कर रहे हैं, बहुत ही लाख दो लाख महीना कमा रहे हैं खेती करके, तो उनकी स्टोरी को आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, तो ये हमारा डिजिटल स्टोरी टेलिंग के द्वारा लोगों तक पहुँचा सकते हो और लोग उससे अवगत हो जाएंगे और उससे कुछ सीख लेंगे। ये होता है हमारा डिजिटल स्टोरी टेलिंग। किसान कॉल सेंटर, देखिए किसान कॉल सेंटर, किसान की समस्या, किसान की क्या बीज बोने से लेकर के फसल से हाइब्रिड कीटनाशक से, मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं
क्षेत्र से संबंधित सारी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। कहाँ पर? कृषि किसान कॉल सेंटर में फ्री कॉल करके। अब आता है हमारा ऑनलाइन कोर्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स भी चल रहे हैं। इसमें व्यक्ति जो है या कोई जो संगठन हो या कोई व्यक्ति पर्सनल रूप में करना चाहता हो तो ट्रेनिंग ले सकता है, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑफलाइन ऑनलाइन हो। ट्रेनिंग ले करके वो अपना काम खुद कर सकता है, सेल्फ डिपेंड हो सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपना कोई कार्य कर सकता है, क्योंकि उसको जब ट्रेनिंग मिल जाएगी एंटरप्रेन्योर से संबंधित तो अपने काम को आसानी से कर सकता है। ये हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन एंटरप्रेन्योरशिप की भी सुविधा है। अब है टेलीफोन व्हाट्सएप एप्लीकेशन ऑफ फार्मर्स फ्रेंडली। देखिए टेलीफोन नंबर भी दिए जाते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिए जाते हैं, इसे ग्रुप में जुड़ जाते हैं। टेलीफोन से तो आप बात कर सकते हैं कि किसानों की क्या समस्याएं हैं, पशु संबंधी समस्या, खेतों से संबंधित समस्या, कोई उद्योग धंधों से संबंधित समस्या, तो वहां पर आप डाल सकते हैं और वहां से आप जानकारी भी ले सकते हो। तो वहां जो एक्सपर्ट होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, उनके द्वारा आपको जानकारी दी जाती है, उनके द्वारा आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ये होते हैं हमारे संचार के माध्यम। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है जियोग्राफिकल ग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम GIS बोलते हैं। अब ये क्या करता है, ये मैनेज अनइंटरप्रेट डाटा अबाउट एरियाज रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या कर रहा है कि जैसे आप किसी गांव का कह सकते हैं एक तरीके से मैप तैयार करते हैं, क्या है GIS के द्वारा, जैसे हम लोग गूगल मैप के द्वारा कहाँ क्या चीज है उससे हम पता कर सकते हैं, उसी तरह से ये भी बनाया गया है GIS, क्या है ग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी किसी गांव में क्या क्या चीज रिसोर्सेज क्या उपलब्ध है, क्या चीजें वहां पर, जैसे यहाँ पर लिखा है डिजिटल मैप तैयार करता है पूरा रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में एक तैयार करता है, और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की मतलब जितनी चीजें हैं सारी चीजों की जानकारी आपको GIS के द्वारा पता चल सकता है, और इससे आपको जानकारी मिल जाएगी और घर बैठे आप जान सकते हो और वहाँ की क्या समस्याएं हैं वो भी आसानी से आप पता कर सकते हो। ये हमारा ये GIS है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। दूसरा हमारा है कॉल सेंटर, अभी हमने आपको बताया किसान कॉल सेंटर। इस तरह से ये आपका है कि कॉल सेंटर की व्यवस्था की गई है, क्या है इसमें कृषि संपर्क केंद्र की मतलब व्यवस्था की गई है। इसमें क्या है, आपको वहाँ पर टोल फ्री नंबर दिए गए हैं, उस टोल फ्री नंबर में आप बात कर सकते हैं और वहाँ पर अपनी समस्याओं को बता सकते हो और वहाँ से आपको एक्सपर्ट के द्वारा जानकारी मिल जाएगी और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ये हमारे हैं कृषि संपर्क केंद्र की स्थापना की गई है, जिससे कृषि संबंधी कोई भी समस्या हो वहाँ पर फ्री कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अब हमारा आता है मोबाइल। मोबाइल आजकल हमारा कह सकते हैं एक बहुत सशक्त माध्यम बन चुका है। ये हमारा संचार का, एक दूसरे से संपर्क का, एक दूसरे चीजों को जानने का, क्या है देखिए ये एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है, क्या एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है यूज फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन। ये किस लिए, ये हमारे कम्युनिकेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण रूप से उपयोग किया जाता है, और इसके साथ साथ एंटरटेनमेंट के लिए, कोई प्रॉब्लम हो उसकी सॉल्व करने के लिए, कोई चीजें नहीं समझ में आ रही उसको आप सर्च करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो ये हमारा है मोबाइल। इससे क्या है, कोई चीज अपने शेयर यानी अपने आइडियाज जो है आपके जो थॉट्स हैं व्यूज हैं इन सब की चीजों के बारे में आप जानकारी दे सकते हो और जानकारी ले सकते हो। इसके माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जो चीजें आपको, हाँ मतलब कि मोबाइल में हर चीज आप जानकारी हर तरीके से आप ले सकते हो। ये हमारा बहुत ही सशक्त माध्यम बन चुका है इस प्रेजेंट टाइम। अब आता है हमारा पारंपरिक संचार मॉडल। ये हमारे पहले जो कह सकते थे, ये हमारे आधुनिक मॉडल नहीं थे, तो हमारे पहले पारंपरिक संचार मॉडल का प्रयोग किया जाता था। ये लोगों तक सूचनाओं को पहुंचाने के लिए, लोगों की समस्याओं के प्रति जागरूक करने के लिए ये हमारे पारंपरिक संचार माध्यम का प्रयोग किया जाता था। ये क्या है, इसमें हमारे पारंपरिक लोकगीत, लोक नृत्य होते थे, लोक संगीत होते थे। इसमें आप भजन कीर्तन रामलीला रासलीला और इसके साथ साथ आला उदल इन सब के द्वारा जो है संस्कृति और सभ्यता का क्या करता आदान प्रदान किया जाता था और लोगों को उससे जुड़े रहते थे उसमें, और उनको जानते थे समझते थे और उसको अपने जीवन में उपयोग भी करते थे और उसमें आनंद भी लेते थे, क्योंकि उसको आनंद से उसको सुनते थे समझते थे और अपने जीवन में उसको अपनाते थे। ये हमारा पारंपरिक लोकगीत और लोक नृत्य होते थे।
अब हमारा नाटक है। नाटक एक हमारा दृश्य श्रव्य साधन है जो पहले जो है सूचनाओं को देने के लिए जो इसका प्रयोग किया जाता था, जैसे हमारी कुछ सामाजिक घटनाओं से संबंधित समस्या होती है, जैसे कुपोषण, शिक्षा, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, इस सब पे नाटक तैयार किया जाता था। इसमें जो एक्सपर्ट होते थे उनके द्वारा एक तरीके से प्रारूप तैयार किया जाता था फिल्म जैसा, उसको लोगों के सामने मतलब प्रस्तुत किया जाता था। इसमें जो एक्सपर्ट होते हैं वो पूरी लाइन को याद करते थे और याद करने के बाद उसको जो है प्रस्तुत करते थे एक नाटकीय वे में, और उसको लोग बहुत आनंद से देखते थे, समझते थे, सुनते थे और उसको फॉलो भी करने की कोशिश करते थे। ये हमारा नाटक है। अब हमारा लास्ट है कठपुतली, जिसको हम पपेट्स कहते हैं। पपेट्स क्या है? ये एक तरीके से दृश्य श्रव्य साधन है। ये ग्रामीणों को शिक्षित करने के लिए जो है मुख्य रूप से इसका प्रयोग किया जाता था। इसके साथ साथ और ज्ञान व्यवहार और कुशलता में वांछित परिवर्तन लाने का काम हमारा कठपुतली यानी पपेट्स करता था। और इसमें क्या है, कठपुतली कई प्रकार की है और इसमें हमारा है हैंड यानी हाथ से बनी हुई कठपुतली, स्ट्रिंग यानी धागों से बनी पतली, रॉड यानी जिससे रॉड से बनी हुई कठपुतली, शैडो यानी छाया से दिखाया जाता था, और पेपर मैश के द्वारा यानी इतने तरीके से कठपुतली बनाया जाता है। क्या क्या है? हैंड, स्ट्रिंग, रॉड, शैडो और पेपर मैश। तो ये चीज़ें हैं, इनसे क्या होता है, ये बहुत ही कम खर्चीला भी होता था, मनोरंजक भी होता था और काफ़ी ये प्रभावशाली होता था। लोग बहुत ध्यान से सुनते थे, समझते थे। और कठपुतली में जो कठपुतली मतलब नचाने वाला होता था बहुत एक्सपर्ट लोग होते थे और उनमें उनके अंदर हुनर होता था, और वो उंगलियों के माध्यम से जो है धागों के माध्यम से जो है रॉड के माध्यम से कठपुतली को लोगों के सामने प्रस्तुत करते थे और लोग उसको बहुत आनंद से देखते थे और समझते थे। और ये जो हमारा कठपुतली है ये जो है बहुत ही प्रभावशाली दृश्य श्रव्य साधन भी है। ये हमारी वीडियो है जिसमें हमने आपको बताया कि हमारे आधुनिक मॉडल आधुनिक संचार क्या है और हमारी पारंपरिक संचार क्या है। इसमें यदि आपको और थोड़ा डिटेल पढ़ना होगा, जैसे आपका ये पारंपरिक संचार माध्यम नहीं बताया है, और भी चीज़ें इसमें आपकी जगह से लीफलेट, पॉम्पलेट और शॉर्ट में मैंने पढ़ाया है, यदि आपको पढ़ना होगा तो हमें आप बताइएगा कमेंट में। अगर यदि आपको पता होगा तो मैं यहाँ से नेक्स्ट में चलूँगी आपकी विभिन्न संगठन जो हमारे हैं यानी हमारे जो समाचार एजेंसियाँ हैं नेशनल लेवल पे, स्थानीय लेवल पे और अंतर्राष्ट्रीय स्थान लेवल पर, उस पर मैं चर्चा करूँगी। ये हमारी वीडियो है और हमने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारे जनसंख्या नीति और परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत, तो हमारे परिवार नियोजन की कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में की गई थी, और जनसंख्या नीति जो नई आई जिसमें हमारे कह सकते हैं भ्रूण हत्या को रोकने के लिए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं चलाई गई जिससे जनसंख्या पर नियंत्रण कह सकते हैं, जो लिंगा अनुपात जो है डिफरेंट है इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आया, जिससे जो हमारे लड़का और लड़की का जो लिंगानुपात है वो बराबर हो जाए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अंतर है, तो इन सब के लिए आया। और जो नई जनसंख्या नीति आई वो आपकी 2000 में आई है। तो ये हमारा है और आज आपके लिए क्वेश्चन ऐसे संबंधित है, आपको पहली साइलेंट फिल्म का नाम बताना है आपको, साइलेंट फिल्म और साउंड फिल्म। साइलेंट का मतलब मूक, इसमें पहले आवाज़ नहीं होती थी, उस फिल्म का नाम बताना है, और साउंड फिल्म जिसकी आवाज़ मतलब उसमें आवाज़ थी लेकिन ब्लैक एंड वाइट थी, उस फिल्म का नाम आपको हमें बताना है कमेंट बॉक्स में कि साउंड फिल्म कौन सी थी और साइलेंट फिल्म कौन सी थी, यानी बोलती हुई फिल्म आवाज़ इसमें थी और साइलेंट मतलब इसमें मूक फिल्म इसको बोलते हैं। इस दोनों का आंसर हमें कमेंट में बताइएगा, और आप लोग काफ़ी सहयोग दे रहे हैं, यानी कहने का मतलब है आप जो है अच्छे से पढ़ रहे हैं और हमें क्वेश्चन का आंसर भी आप दे रहे हो, अच्छा लग रहा है हमें भी आप कि हम पढ़ाई मतलब पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हो। तो ये हमारी वीडियो, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमें कमेंट में हमारे क्वेश्चन का आंसर अवश्य कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।